हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम ओरल और रिटन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें ओरल या रिटन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, ओरल और रिटन। और जबकि नॉन वर्बल हमारे ऑडियो विजुअल हो सकता है, साइलेंट हो सकता है, और दो तरीके से हो सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को समझना बहुत इजी होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना कठिन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो है हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पास फॉर्मल स्ट्रक्चर की कमी होती है। वर्बल कम्युनिकेशन में जो होती है बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्ट्रॉय हो सके, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय आसानी से हो सकती है और इसको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में आपका जो है आपका डाटा हमेशा बचा रहता है। और कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें वर्बल कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर आप वर्ड्स के साथ एंड करते हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका पर्पस अचीव होता है। अगर फीडबैक की बात करें वर्बल कम्युनिकेशन में, तो आपकी डेस्ट डिलेड यानी कि बहुत कम समय में आपका जो है मिल जाता है आपको रिजल्ट, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बहुत काफ़ी समय लगता है फीडबैक मिलने में। तो ये मेन डिफरेंस होता है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो नेचर होता है वो कंसिस्टेंट होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इसमें कंसिस्टेंसी की कमी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्बल कम्युनिकेशन में लीगल एविडेंस होता है, यानी कि जो आप यहाँ पे डाटा देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं वो रिकॉर्डेड होती है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन का स्कोप हर जगह पे है, चाहे आपके ऑफिसेस में हो, चाहे आपके सिंपल से बोलचाल में क्यों ना हो, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो बिजनेस कम्युनिकेशन में का स्कोप है वो लिमिटेड होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, चाहे टेलीफोन का हो, मीटिंग का हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस का हो, या डिफरेंट टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन करते हो ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर्स और ये सारी चीज़ आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। हाँ, अगर हम फॉर्मेलिटी की बात करें तो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा, और वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे कम। वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर कहा जाए तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कम्युनिकेट करता है शब्दों के द्वारा, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नॉट कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स ऑफ राइटिंग नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, ये मेन डिफरेंस होता है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज एंड फॉर वर्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन।